गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो आज हम अपनी क्लास में करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस पेपर का पार्ट टू। लास्ट क्लास में हमने किया था पार्ट वन, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो। आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन्हें आपको पहचानना है कि किसका चित्र है, और उसी के सामने खाली जगह में उसका पहला अक्षर हमें लिखना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र पहचान कर अक्षर से मिलाओ। प्रश्न नंबर 5 में हमें चित्र पहचान के अक्षर लिखना है, और प्रश्न नंबर 6 में हमें चित्र पहचान के अक्षर से मिलाना है। तो देखिए क्या बना है, झंडा। तो झंडा का पहला अक्षर क्या होगा, झ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे झ, झ से झंडा। नेक्स्ट है ओखली। ओखली का पहला अक्षर क्या होगा, ओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ, ओ से ओखली। नेक्स्ट है आम। आम का पहला अक्षर आ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ, आ से आम। घड़ी। घड़ी का पहला अक्षर घ, घ से घड़ी, घ से घर। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्या बना है, कबूतर। तो कबूतर का पहला अक्षर क, क से कबूतर। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है। प्रश्न नंबर 5 में चित्र पहचान के उसका पहला अक्षर लिखना है, प्रश्न नंबर 6 में चित्र पहचान कर उसके अक्षर से हमें मैच करना है। छतरी। तो छतरी का छ से छतरी, तो हमें क्या ढूंढना है, छ, 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 तो इसको इससे मैच कर दिया। अब ये क्या है, ठेला। क्या है ये, ठेला। तो ठेला का पहला अक्षर क्या होता है, ठ, ठ से ठेला, ये रहा ठ। गमला। गमला का पहला अक्षर ग, ग से गमला, तो हम ग से गमला से मैच कर देंगे। घर। घर का पहला अक्षर घ, तो इसको हम घ से मैच कर देंगे। ये क्या है, एडी। तो मीन्स हमें क्या सर्च करना है, ए, ए से एडी, तो ए से एडी को मैच कर दिया। ये हमने किए हैं अपने प्रश्न नंबर 5 और 6। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, खाली जगह भरो। खाली जगह भरो किसकी, अ से अह की। और इसी तरह प्रश्न नंबर 8 है, खाली जगह भरो क से ण की। सेम है, पहले आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 किया है, जिसमें आपने सीक्वेंस में अ से अह और क से ण लिखा है, उसी की तरह ही है। इससे आपको लर्न होना चाहिए अ से अह। अगर आपको अ से अह और क से ण अच्छे से लर्न है, तो अपनी खाली जगह भरो भी अच्छे से कर पाओगे। बोलते बोलते करना है, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी इसे ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, ई से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह घर खाली। देखो हमने बोलते बोलते जब किया, तो हमने कुछ फ्यू सेकंड्स में ही हमने अपना प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। इसी तरह हम करेंगे प्रश्न नंबर 8, खाली जगह भरो।
क से ण की, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड क ख ग घ ड च, नेक्स्ट क्या आएगा, छ छ ज झ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण क ख ग घ ड च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण। ये बोलते बोलते जब हमने किया तो हमने ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये हमें बोलना आता था। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ बार बार कि आप इसको बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने पिक्चर बुक निकालिए और पेजेस टर्न ओवर करते करते इसको रीड कीजिए। रीड करेंगे तो अपन राइट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यस, तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा श्रुति लेख। श्रुति लेख में आपको क्या करना है, मम्मा आपको कुछ अक्षर बोलेंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे क, क नोट डाउन कीजिए, क नेक्स्ट लिखिए च, च नेक्स्ट ट, ट नेक्स्ट लिखिए अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर नेक्स्ट लिखिए ठ, ठ से ठेला नेक्स्ट लिखिए छोटा उसे उल्लू नेक्स्ट लिखिए आ से आम नेक्स्ट लिखिए ग से गमला, ग से गमला नेक्स्ट लिखिए छ से छतरी, छ से छतरी क्रॉस चेक कीजिए क्या आपने सही लिखा है, मैम का देखिए और चेक कीजिए कि क्या आपने सही लिखा है। यस, तो इसी के साथ हमारा हिंदी का प्रैक्टिस पेपर पार्ट टू भी एंड होता है। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा और ये क्वेश्चन पेपर एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन सॉल्व करके सेंड कीजिएगा। बाय।